छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। महिला के साथ मारपीट किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही पति ने की है। मामला सोनहत थाना क्षेत्र का है। दरअसल सलगवा कला की रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 2011 में ईश्वर प्रसाद के साथ हुई थी। शादी के समय मेरे माता पिता के पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज दिया था। इसके बावजूद ईश्वर प्रसाद मुझे आए दिन शारीरिक व मानसिक रूप से दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, मुझ पर शक भी करने लगा था और हमारी 6 साल की बेटी भी है। इसके बाद अब महिला ने अपने पति के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने अब आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 498 दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया है। पुलिस अब मामले की जाँच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।